बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू द लेसन नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 9 फ्रॉम इकरा अप्लाइड ग्रामर 1। स्टूडेंट्स, एज यू नो, यस्टरडे वी स्टार्टेड यूनिट नंबर 9 फ्रॉम दिस बुक एंड वी अटेंडेड द फर्स्ट लेसन ऑफ यूनिट नंबर 9। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 2, विच इज प्रैक्टिस एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस। But before going to start our next lesson, we are going to revise our previous one. Okay? So can you tell me what is the topic of unit number 9? Like to, love to. और ये हम किस time में use करते हैं? Present time में, simple present tense हमने start किया है और हमारा topic है like to, love to. तो अपना टॉपिक एक मिनट पर रिवाइज कर लेते हैं। लाइक टू, डू नॉट लाइक टू। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन, लव टू, डू नॉट लव टू। क्लियर स्टूडेंट्स? यू विल कीप इन योर माइंड। और ये हम किन प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं? लाइक टू एंड लव टू हम किन प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं? कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने डिटेल के साथ ये डिस्कस किया था। कैन यू टेल मी बेटा? यस, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, लाइक टू फॉर वीक डिज़ायर, एक तो आपने ये याद रखना है, एंड लव टू फॉर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। जो हमें चीज़ पसंद है उसके साथ हम लाइक टू यूज़ करेंगे और जो बहुत ज़्यादा पसंद है उसके साथ हम लव टू यूज़ करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल कीप इन माइंड इज दैट यू विल यूज़ लाइक टू, डू नॉट लाइक टू एंड लव टू, डू नॉट लव टू विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। ओके, प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ हमें यूज़ करना है और कल हमने प्रैक्टिस भी की थी इसकी। आज और अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, जब हम सिंगुलर प्रोनाउंस की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो हमें लाइक टू एंड लव टू को भी चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, जब हम सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हमें लाइक टू एंड लव टू को चेंज करना है। किन के साथ? एस फॉर्म के साथ। लाइक टू विल बी चेंज इनटू लाइक्स टू, ठीक है? डू नॉट विल बी चेंज इनटू डज नॉट, डज नॉट लाइक टू। नेक्स्ट वन, लव्स टू, डज नॉट लव टू। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमें अच्छे से लर्न करना है और ये लर्न करने की ही चीज़ है। आप अगर आप समझते हैं कि आपको किसी और तरह से याद होगा, प्रैक्टिस भी करने से आपको ये समझ आ सकता है। अच्छे से अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम ऑरल ड्रिलिंग करें और मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम लर्निंग करें अच्छी वाली, तो हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके, सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ हमें एस फॉर्म यूज़ करनी है। कीप इन योर माइंड, जो कल हमने प्रैक्टिस भी की थी। अब चलते हैं रिटन प्रैक्टिस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें सर्कल करना है करेक्ट ऑप्शन को। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आई डैश ईट वेजिटेबल्स। लुक एट द पिक्चर। आई इज सिंगुलर और प्लूरल? यस, आई इज प्लूरल प्रोनाउन। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, आई इज प्लूरल प्रोनाउन, सो वी विल यूज, हमें क्या यूज करना है? लाइक टू। वेरी नाइस, लाइक टू एंड लव टू हम प्लूरल प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वन, ही डैश प्ले गेम्स। लुक एट द पिक्चर। ही, इट्स प्लूरल और सिंगुलर? यस, इट्स सिंगुलर। एंड व्हाट वी यूज विद सिंगुलर प्रोनाउंस? लव्स टू। वेरी नाइस, लाइक्स टू और लव्स टू। ही लव्स टू प्ले गेम्स। नेक्स्ट वन, Boys dash visit hill stations. Picture number 3. Boys, it's singular or plural? Very nice, it's plural. So what we are going to use with plural? Like to. Very nice, boys like to visit hill stations. Hill stations mean mountainous areas, hilly areas. Next one, Sara dash wear frocks. Picture number 4. Sara, it's singular or plural? It's singular. Very nice. So what we are going to use is singular. Sara likes to wear frocks. Excellent. Next one. We dash go for a morning walk. We,
It's singular or plural? Plural. Very nice. So what we are going to use is plural? Love to. Very nice. We love to go for a morning walk. Very nice. My mother dash cook biryani on Sundays. My mother. It's singular or plural? Singular. Very nice. So my mother loves to cook biryani on Sundays. Very good. Excellent. You will look at the only first word, first part of the sentence, and then you will decide your structure. ठीक है, हमें pronoun या noun को देखते हुए अपना work complete करना है. Now we will circle the correct option properly. In this way you will circle the correct option. Now next, let's move forward towards B, activity of practice. Okay, what we are going to do for this activity, complete the sentences using like to, do not like to. Okay, let's start. And look at the pictures. But first of all, you can see tick and cross on the pictures. Tick means positive sentence. Yes, and cross means negative sentence. Keep in your mind and look at the pictures carefully. He dash eat pineapples. Yes, he likes to eat pineapples. But he does not like to eat papayas. Yes, there is a cross, na? So that's why we are using but and we are making negative sentences. When one part will be positive and other will be negative, so we will use but. ठीक है, यहाँ पे हमें but को भी practice करना है और हमें positive negative structure को एक साथ लेके चलना है. Next one. They dash play cricket. They, it's singular or plural? It's plural. So what we are going to use? They like to play cricket, but they do not like to play Ludo. As you can see, cross on the Ludo. Like to, do not like to. Next one. She dash reads storybooks. Look at the picture. She, singular or plural? Singular. So what is the singular structure? Likes to. Very nice. She likes to read storybooks, but she likes to will be changed into does not like to read newspaper, as there is a cross on newspaper. Clear? Next one. I dash buy sweets. I like to buy sweets, but I do not like to buy grocery. Look at the picture carefully. Next one. He dash drink juice. Look at the picture. He likes to drink juice, but he does not like to take syrup. Look at the picture. He, it's singular, na? So that's why we're using likes to, does not like to. We dash visit safari park. We, it's singular or plural? It's plural. We like to visit safari park, but we do not like to visit a historical place. As you can see, cross on the picture. So by looking at the pictures, tick and cross, we will complete your work. Like to, love to for plurals, and likes to, loves to for singulars. Now let's write your work and complete the blanks. Okay students, in this way you will complete your work, and your work should be neat and clean, and you have to practice this many times. Now let's move over towards extended practice. Okay, extended practice, complete the sentences using suitable vocabulary from the box. And let's start reading the vocabulary. First of all, your book should be opened in front of you. Ride a bicycle, climb the mountain, buy jewelry, wear joggers, have a morning walk, solve math questions, visit a science museum. And let's discuss the meanings. Ride a bicycle mean bicycle chalana. Climb the mountain. Yes, climb mean upar jana. Climb mountains pe jana. Mountains pe chadna, you can say. Buy a jewelry, it's very easy. Wear joggers, it's very easy. Have a morning walk. Solve math questions. Visit a science museum means science museum jana ya visit karna. Now if you can see, first example, I like to have a morning walk because it is healthy. Now the reason is given by using because. Because ke saath hame reason given hai. Reason ko dekhte hue humne vocabulary select karni hai. Okay beta? Aur humne structure ka bhi dhyan rakhna hai. I like to have a morning walk because it is healthy.
She does not like to solve math questions because they are difficult. Are you getting students now? Next one, he dash because it is exciting. He likes to ride a bicycle because it is exciting. Bicycle chalani exciting hota hai na boys ke liye especially. Next one, they singular or plural? Plural. So they do not like to climb the mountain because it is dangerous. ठीक है, पहले हमें रीजन देखनी है, फिर हमें वोकैबुलरी चूज करनी है. दे डू नॉट लाइक टू क्लाइम द माउंटेन्स बिकॉज इट इज डेंजरस. नेक्स्ट वन, वी डैश बिकॉज दे आर कंफर्टेबल. वी लाइक टू वियर जॉगर्स बिकॉज दे आर कंफर्टेबल. क्लियर? आई डैश बिकॉज इट इज इंफॉर्मेटिव. आई like to visit a science museum because it is informative. ठीक है, हम information मिलती है ना जब हम किसी भी म्यूजियम में जाएं. Amna dash because it is very expensive. Amna is singular ना, so we will use Amna does not like to buy a jewelry because it is expensive. Clear students? Like to, do not like to, love to, do not love to for plurals. And likes to, does not like to, loves to, does not love to for singulars. And by looking at the reasons, you will complete your work. Now let's do it. Okay students, in this way you will complete your work. And your writing should be neat and clean. You have to complete your work. Plus you have to learn the given word bank. Word bank ko acche se aapne learn karna hai. Aur inko aapne rough notebook pe practice karna hai. क्लियर बेटा? और लाइक टू लव टू का आपने स्ट्रक्चर अच्छे से प्रैक्टिस करना है. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.